सबको हमारा सलाम। आज हम आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसे मुबंदी कहते हैं उसकी रेसिपी दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी चने की दाल को भिगाकर रख दिया है। ये अपने फैमिली के मुताबिक हमने भिगाया है। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले जो जाएंगे आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जिसमें ज़ीरा, छोटी सी प्याज, कुटी लाल मिर्च, लहसुन के कुछ जवे, नमक और एक पिंच सोडा, बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे धो करके साफ़ करके सारे मसालों को पहले हम चने की दाल में डाल लेंगे। इन सब मसालों को डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी, कोशिश करेंगे पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे, इसका एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ये हमारी रेसिपी कुछ घरों में आज भी बनाई जाती होगी, जिसे भाप के में बनाई जाती है और ये भपोरी कहलाती है। पर ये रेसिपी जो हम आपको दे रहे हैं, इसे हमारी अम्मी बनाया करती थी कुछ चेंजेस के साथ। अभी हमने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद हमने छोटी छोटी मुबंधियाँ इसमें डाल दी हैं। देखिए जैसे हम डाल रहे हैं ऐसे ही आप भी डालिएगा। इस वक्त फ्लेम को लो रखिएगा। इन सब चीज़ों को इनको डाल देने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन एक चौथाई कप पानी डालेंगे। पानी डालते साथ फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसे फौरन ढक देंगे। थोड़ी देर फ्लेम को तेज़ रहने देंगे, फिर फ्लेम कम कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप लिड हटाएंगे तो आप देखेंगे इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब धीरे धीरे संभाल के इन सारी मुबंधियों को पलट लेंगे। बहुत आराम से, सुकून के साथ धीरे धीरे इस प्रोसेस को करिएगा। ये देखिए हमारी मुबंधियाँ पलट कर गई हैं और अब ये पहला बैच हमारा तैयार है। थोड़ा सा हमारे पास बैटर और बचा है, उसी प्रोसेस से हम फिर से इसे तैयार कर लेंगे। पहले मुबंधियाँ डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लिड लगा देंगे। 2-3 मिनट के बाद लिड हटाएंगे, पानी सारा जब खुश्क हो जाएगा इसे धीरे से पलट लेंगे और सबको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर हमने 3 बड़ी साइज़ की प्याज ली है, साथ में 2 टमाटर लिया है। इसका एक हमें पेस्ट तैयार करना है, दोनों का पेस्ट अलग अलग बनाएंगे। हमने एक भगोने में 3 चम्मच के करीब तेल डाला है। यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और उसके फौरन बाद अदरक लहसुन 1 चम्मच भर के डाल देंगे। इन्हें अच्छे से भूनना है। जब इसकी स्मेल निकल जाए उसके बाद हम अपनी पिसी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को रंग बदलने तक भूनना है, इसका रंग गुलाबी हो जाना चाहिए। इसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। मसाला जब अच्छे से भुना होता है तभी हमारी ग्रेवी अच्छी बनकर तैयार होती है। थोड़ी देर के बाद हम अपना लिड हटाएंगे और मसालों को चेक करेंगे।
अब इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी चौथाई चम्मच के करीब, एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन एक चम्मच ही धनिया पाउडर, हमारे पास थोड़ी सी देगी मिर्च है, कलर के लिए हम उसे शामिल कर देंगे, आपके पास नहीं है तो मत डालिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला करके थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भुनने के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेज पे फ्लेम स्लो रखेंगे और भगोने को ढक देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग। पहले हमने मुबंधी में नमक डाल रखा है, थोड़ी देर के बाद हम अपना मसाला चेक करते हैं। देखिए अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है और मसाला तकरीबन भुन गया है। अभी हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और मसाले को फिर अच्छी तरीके से भून लेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे हम ज़्यादातर एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करते हैं। इसमें एक कटोरी के करीब दही डाल देंगे। दही हल्के अच्छी तरह से पहले स्मूथ कर लेंगे तब डालेंगे, और डाल करके अच्छे से मसालों में मिला देंगे। एल्युमिनियम के बर्तन में भुनाई बहुत अच्छे से होती है। नॉन स्टिक पैन में भुनाई में थोड़ा सा कसर रह जाती है। ये देखिए कुछ हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। मसाला भुन जाने के बाद इसमें हम कप से पानी शामिल करेंगे। कप हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी हमने 2 कप पानी डाला है, उसके बाद हम अपने मसाले को चेक करेंगे। इसकी ग्रेवी को शुरू में पतला रखते हैं। अभी हमने 2 कप पानी डाला था, 1 कप पानी और हमने इसमें शामिल किया है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी मुबंधियों को इसमें डाल देंगे। मुबंधियों को डालने के बाद बहुत हल्के हाथों से अच्छे से मिला दीजिए और मसाले की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। हमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत थी, हमने थोड़ा सा पानी और डाला है। पक जाने के बाद ये ग्रेवी थिक हो जाती है, इसलिए शुरू में इसे हम पतला रखेंगे। अब इसे तेज़ आंच पर रख देंगे। उबाल आने के बाद थोड़ी देर के बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी लाजवाब बेहतरीन किस्म की मुबंधी तैयार है। अभी हम आप इसे कट करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। एक बार आप हमारे तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप ज़रूर ट्राई करिए और दुआओं में हमें याद करिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।